तो ये ओरिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओरिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? स्टैटिक सीलिंग इन हाइड्रोलिक्स। तो और स्पेसिफिकेशन कैसे होगा? स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ओरिंग, ओरिंग को अगर आप देखें तो इसमें इस तरह से उसका ड्राइंग होगा। इस डायमीटर को कहेंगे डी और इस डायमीटर को कहेंगे डी। तो ओरिंग स्पेसिफाई करने के लिए हम लिखेंगे स्मॉल डी, कैपिटल डी क्रॉस स्मॉल डी। और मटेरियल इसके होते हैं आमतौर से एन बी आर, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा हो सकता है वाइट डाउन। वाइट डाउन हाई टेम्परेचर के लिए वाइट डाउन इस्तेमाल करते हैं और 90% एप्लीकेशन में NBR ही चलता है फॉर हाई टेम्परेचर। अगर 120 डिग्री प्लस कुछ हो तब, अदर नॉर्मली हाइड्रोलिक्स 90% होते हैं और यहाँ पर ये 80 डिग्री से नीचे तक के लिए कम्फर्टेबल है, ठीक है। 80 डिग्री से नीचे होगा तो NBR इज कम्फर्टेबल, ठीक है। और हाइड्रोलिक्स में आमतौर से 60 डिग्री से ज़्यादा हम काम नहीं करते, ठीक है। अब मटेरियल NBR हो गया, इसमें हार्डनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हार्डनेस। और इसको मेज़र करते हैं शोर ए से मेज़र करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग हाइड्रोलिक्स में ना ओरिंग इस्तेमाल करते हो, NBR होता है उसके लगभग 70 शोर ए होता है। हार्डनेस ज़्यादा होने पर ब्रिटल हो जाएगा, सॉफ्ट होने पर भी प्रेशर रेजिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, प्रेशर कब तक ले सकते हैं? प्रेशर है ना मैक्सिमम आप समझिए इसको 150 बार के आसपास ले सकते हैं। अगर बैकअप रिंग लगाते हैं तो ये चला जाएगा फिर, है ना, 300 बार तक चला जाएगा, ठीक है। विदाउट बैकअप रिंग 150 बार और विद बैकअप रिंग 50 बार। और बैकअप रिंग होता है PTFE मटेरियल से, है ना, टेफ्लॉन मटेरियल का होता है। मतलब जो ओरिंग लगाएंगे उसके साथ एक बैकअप रिंग भी लगाना होगा, ठीक है। तो अब तक ये पता चल गया कि भाई ओरिंग का फंक्शन क्या हुआ, स्टैटिक सीलिंग, मतलब जहाँ पर है ना सील्स का मूवमेंट ना हो तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे। कितना प्रेशर तक जाएगा? नॉर्मली 150 बार तक। और हायर प्रेशर में इस्तेमाल करना है तो एक बैकअप रिंग लगाना पड़ेगा, और अगर हायर टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है तो अलग मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पानी के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर डिफरेंट मटेरियल होगा। नॉर्मली हाइड्रोलिक आयल के लिए NBR इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, 90% ये यूज़ होते हैं और 80 डिग्री तक ये वेरी कम्फर्टेबल काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम जब फिट करते हैं तो कैसे फिट करते हैं? फिटमेंट ऑफ ओरिंग है ना। तो केस वन कब होगा? जब रॉड एंड पिस्टन के बीच, क्योंकि रॉड और पिस्टन के बीच है ना कोई स्लाइडिंग मूवमेंट नहीं होता है। जैसे एक पिस्टन है और पिस्टन के अंदर यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर हमारे पास रॉड आ रहा है और ये हमारा रॉड हो गया। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोलिक प्रेस इधर से आ रहा है और ये बैरल है, ये ट्यूब है, उससे इधर भी ट्यूब होगा, तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर इधर से देंगे तो वो इस इधर से सील होता है, सील उसको होल्ड कर लेता है, इधर वेल्डिंग होता है जो गाइड करता है। तो इधर से तेल के निकलने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि पिस्टन सील इज वर्किंग, लेकिन इधर से लीकेज का चांस है। अवॉइड करने का एक तरीका वेल्डिंग कर दो, सीलिंग नॉर्मली वेल्डिंग करेंगे तो हम डिसमेंटल नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर ओरिंग प्रोवाइड करते हैं एक या दो, ठीक है। ओरिंग प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्रूव पिस्टन में बना लेंगे
या रॉड मिला लेंगे, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर हमने ग्रूव बना लिया। अब ये स्टैटिक क्यों होगा, रॉड और पिस्टन के अंदर कभी मूवमेंट नहीं होगा, रॉड खुद मूव करेगा लेकिन पिस्टन और रॉड के बीच कोई रिलेटिव मूवमेंट मोशन नहीं होंगे, तो ये स्टैटिक सीलिंग होगी। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ओरिंग। ओरिंग इसलिए यूज़ करेंगे, सबसे चीपेस्ट वन और बेस्ट वन है। अब एक या दो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर, है ना, नॉर्मली एक काफ़ी है। अब इस ग्रूव का साइज़ कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या साइज होगा, पिस्टन रॉड का साइज़ दिया होगा डी, और ये बोर सिलेंडर का बोर डी, इससे तो सिलेंडर स्पेसिफाई होता है रॉड और, है ना, बोर से। लेकिन अब ये डी अगर मालूम है तो डी से थोड़ा सा ये साइज़ ये वाला साइज़ होगा, है ना, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर, ये आपको डिज़ाइन पे होगा, लेकिन नॉर्मली क्या है, इसको इसके मान लेते हैं हम 75% मान लीजिए ऑफ डी, ये टेंटेटिव है, डिपेंड्स अपॉन डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं, ये तुम्हारे किस में कितना है, सवाल अभी जो डिज़ाइन तुम कर रहे हो 60 का रॉड ही है, नहीं 80 का रॉड है, ठीक है, 80 डायमीटर का रॉड भी आपकी, हाँ ये आपने 60 लिया, ठीक है, 60 लिया तो लगभग वही आ रहा है ना, 75% के आसपास हैं जो भी। अब ये 60 ये तो डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि ये पिस्टन के अंदर ये ग्रूव क्या दिया जाए, है ना सर, तो ग्रूव के लिए हम क्या करेंगे, है ना, अब इस ग्रूव का इनलार्ज भी देखिए, यहाँ पर ये पिस्टन के अंदर ये ग्रूव है, ये पोर्शन इनलार्ज भी है, एक्स है, एक्स है। अब यहाँ से ये डायमेंशन एक हम तुम्हें नहीं चाहिए, दूसरा डायमेंशन इस दो ग्रुप के बीच के चाहिए, दो डायमेंशन चाहिए, तो लेकिन तुम्हें एक चीज़ मालूम है, ये वाला डायमेंशन मालूम हो चुका है, तुम डिसाइड कर चुके हो डाया 60, और उसके बाद ये नेक्स्ट हमें ये डायमेंशन डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें ये डेप्थ चाहिए, है ना, ये एच। अगर ये एच मिल जाता है तो क्या करेंगे, 60 प्लस एच कर लेंगे। एच नॉर्मली होता है स्मॉल डी ऑफ ओ रिंग मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ठीक है समझ। अब तुम स्मॉल डी या ओरिंग किस साइज का रखना चाह रहे हो, ठीक है, ओरिंग जो साइज का फिट होना चाहिए, वो नॉर्मली क्या होता है, ओरिंग वैसे बहुत ही रेंज में आते हैं, तो एक डायमीटर का डी हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, बहुत सारे रेंज में होंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 3, 4, 5 इस्तेमाल करते हैं, है ना, बहुत छोटा कंपोनेंट है तो 2, बहुत बड़ा है तो ज़्यादा, अदरवाइज नॉर्मली 3, 4, 5, बहुत बड़ा सिलेंडर है तो 5, बहुत एवरेज सिलेंडर है तो 3 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे केस में तुम अभी 4 ले लो, ठीक है, ये तुम्हारा डिसाइड करता है डिपेंडिंग थोड़ा एक्सपीरियंस पर कि 3 लें या 4 लें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिलेंडर होगा तो 5 लेंगे, बहुत छोटा होगा तो 2, 3, 1, 2 लेंगे, लेकिन मीडियम 80 का वो हुआ है, 100 का, 200 का, है ना, उसमें कितना का, 4 का काम चल जाएगा, तो फिलहाल से हम 4 का ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये डायमीटर डिसाइड किया बाय एक्सपीरियंस बाय कॉमन सेंस, डाया 4 लेंगे तो ये हाइट कितना बन जाएगा, 3.2। अभी डायमीटर कितना बन जाएगा, 60 प्लस 6.4, है ना। अब चूंकि अगर हम इसे टॉलरेंस क्या देंगे, दबना चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा ना हो, तो -0.2 का टॉलरेंस दे दिए, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं, चूंकि रबर है, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, -0.2, -0.3 डाल दीजिए तो काफ़ी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विड्थ, ये हुआ था ये 20% कम हो गया तो ओवल हो जाएगा ओरिंग, तो 20% बढ़ेगा, मतलब अगर आप देखेंगे दबने के बाद ओरिंग ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8D और ये हो जाएगा 1.2D, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 × D, तो 1.2 × 4, 4.8, तो ये ग्रुप हो जाएगा 4.8, ठीक है। तो दबने के लिए हम ये मिनिमम है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा दब जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 0.2 प्लस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ओरिंग में नॉर्मली 0.2 और प्लस या डायमीटर -0.2 कर लेंगे, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना प्रेशर है ना रेजिस्ट करेगा, तो अभी मैंने बताया आपको कि नंबर 120 बार तक ये कम्फर्टेबल है, लेकिन इसी ओरिंग में आप चाह रहे हैं कि हम और ज़्यादा प्रेशर से काम लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बैकअप रिंग लगाना पड़ेगा टेफ्लॉन का पीछे से,
उससे क्या होगा, हाई प्रेशर पे भी ना ये पिचक के नहीं निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज बहुत हाई प्रेशर होगा ना इससे, तो ऐसे करके निकल जाएगा ओरिंग, दब के निकल जाएगा। इसको एक्सट्रूजन कहते हैं, एक्सट्रूजन को अवॉइड करना है तो आप नायलॉन का, टेफ्लॉन का बैकअप रिंग लगाइए, टेफ्लॉन। इसके थिकनेस बहुत कम होते हैं, नॉर्मली 2-3 मिनट काफ़ी है, 2 mm काफ़ी है, प्लस 0.2 चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है 2 mm, और बहुत बड़ा सिलेंडर तो 3 mm, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 2 mm का है ना बैकअप रिंग लगाएंगे। तो इसके लिए क्या कंपनसेट करना पड़ेगा ग्रूव में, तो 4.8 तो पहले ही था, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4.2 प्लस जितनी थिकनेस है 6.2 हो गया। बैकअप रिंग की साइज़ क्या हो जाएगी, बैकअप रिंग का साइज हो जाएगा, आउटर डायमीटर दिया हो गया जो आपने यहाँ निकाला था अभी 66.5 है ना, इनटू थिकनेस कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 2, और आईडी कितना हो जाएगा, आईडी जो यहाँ रॉड का डायमीटर था ना 60 बैठेगा ना 60, तो इसका बैकअप रिंग 66.5 × 2, ये बैकअप रिंग का साइज़ हो गया। और ओरिंग का साइज़ क्या हो गया, ओरिंग का मैंने बताया अभी आपको 60 × 4, तो ये 60 कैसे ले लिए, जो यहाँ बोर का साइज था वो 60 ले लिया, 4/experience ले लिया, तो ये ओरिंग का साइज हो गया। ये ओरिंग यहाँ बैठना चाहिए, उसके लिए क्या किया, 4 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो चौड़ा मिल गया, 4 को 1.2 से मिल गया तो ग्रूव मिल गया, अगर बैकअप रिंग लगाना है तो 2 मिनट और ऐड कर लिया, ये ग्रूव से डिफाइन हो गया। तो ये हुआ पिस्टन रॉड और पिस्टन के साथ है ना। इसी तरह से अब जहाँ हम एक होता है ग्लैंड है ना, ग्लैंड एंड स्लीव, स्लीव ओरिंग, तो ग्लैंड स्लीव में कैसे होगा, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये है हमारा स्लीव है ना। अब यहाँ पे लगा दिया ग्लैंड, एक ही ओरिंग शुरू करते हैं, ठीक है ये रॉड आ गया। अब यहाँ पर जो ओरिंग होगा हमने डिसाइड किया 4 mm का, नॉर्मली 3-4 ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी ग्रुप की साइज़ क्या हो जाएगी, हो जाएगी 4 × 0.8 है ना, और 1.2, और इसकी हो जाएगी 4 × 0.8, ये तो वही हो गया। अब ओरिंग की साइज़ क्या होगा इसका, ओरिंग जो बाज़ार में मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये बैरल साइज है ना, बैरल साइज कितना, 125 में माइनस कर दो 4 − 4, मतलब 4 × 4 = 8, तो हो जाएगा 117, ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ जो डायमेंशन होगा ना सर, ये ओरिंग हमें चाहिए बाजार से 117 × 4, लेकिन ये ग्रुप कितना होगा, ये वाला ये ग्रुप देखो कितना हो जाता है 3.2 × 2 = 125 माइनस कर लीजिए है ना, तो हो जाएगा 125 और 6.4 118.6 है ना, तो ये ग्रुप का डायमेंशन हो गया 118.6 mm, ठीक है। अगर यहाँ बैकअप रिंग डालना है तो इसको ग्रुप को फर्दर 2 mm बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा +2 और ऐड हो जाएगा। और बैकअप रिंग का साइज़ क्या हो जाएगा, बैकअप रिंग का साइज़ हो जाएगा 118.6, चूँकि ये इसमें बैठेगा, और ओ डी बैठेगा 125 और थिकनेस इतना, PTFE ये बैकअप रिंग हो गया। और ओरिंग रिकमेंड क्या करेंगे इसके लिए, 117 × 4, ठीक है, ये 2, 1 नंबर ये 1 नंबर, समझ गया।